सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश ने जॉर्ज और शरद को किया अपमानित, ललन और कुशवाहा ने तो माफी मांगी। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिंह सहित अपनी पार्टी के तीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपमानित कर पार्टी से निकाला, उनके बंगले खाली कराए। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तो माफी मांग कर पार्टी में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को सम्मान देकर एकजुट नहीं रख सके, वे गुलदस्ता भेंट कर कितने विपक्षी नेताओं को जोड़ पाएंगे। उनका दिल्ली मिशन केवल फोटो सेशन है। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या और सक्रियता अचानक बढ़ गई है। नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर वन यात्रा शुरू की। इन सब की मंजिल पीएम की कुर्सी होने के कारण ये आपस में मित्र नहीं प्रतिद्वंदी ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मिलने जुलने से केजरीवाल, ममता बनर्जी और वाम दल क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्या माकपा कभी ममता बनर्जी का साथ दे सकती है? सुशील मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस और राहुल गांधी के पुरखों ने धार्मिक नफरत के आधार पर भारत का बंटवारा कराया और जम्मू कश्मीर पर धारा 370 थोप कर उसे शेष भारत से अलग थलग बनाए रखा, वे किस मुंह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? उनकी यात्रा दरअसल परिवार बचाओ यात्रा है। बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने का ऐलान कर चुके हैं। इस क्रम में वे दिल्ली गए, वहां राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। कहा कि विपक्ष एकजुट होगा तो 2024 का चुनाव परिणाम अलग होगा।